हेलो नमस्कार दोस्तों, आज है 18 मई 2023। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फेस्ट पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय रेल के बारे में। भारतीय रेल में जो नवाचार हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पे हम आज चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। सबसे पहला टॉपिक है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया गया। नई दिल्ली से वाराणसी के लिए इसकी शुरुआत 15 फरवरी 2019 से की गई। इसका कॉमर्शियल रन 17 फरवरी 2019 से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट में चर्चा करें आधुनिक कोच कारखाना रायबरेली। इस फैक्ट्री की कोच निर्माण की क्षमता 1000 कोच प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2844 कोच प्रति वर्ष हो गई है। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र के लातूर में 492 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से नया कोच निर्माण कारखाना स्वीकृत किया गया है। न्यू बोंगई गांव असम में LHB कोचों के नवीनीकरण के लिए कार्यशाला भी स्वीकृत की गई है। इसके बाद में आगे चर्चा करें डिब्बों के नवीनीकरण के लिए सोनीपत में अत्याधुनिक रेल कोच कारखाना स्थापित किया जा रहा है। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स DLW वाराणसी उत्तर प्रदेश द्वारा दुनिया का पहला डीजल से विद्युत में परिवर्तित उच्च अश्व शक्ति का T1 रेल इंजन निर्मित किया गया है। इसे 19 फरवरी 2019 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसके बाद में आगे देखें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री मधेपुरा बिहार में 12000 HP का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रिक लोको विकसित किया गया है। आगे हम चर्चा करें भारत के पहले रेल विश्वविद्यालय का सपना 2018 में वडोदरा गुजरात में साकार हुआ। यहाँ नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट NRTI की स्थापना 15 दिसंबर 2018 को की गई। यहाँ सितंबर 2018 से कक्षाएं BTEC इन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी एवं BBA इन ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट शुरू हो गई है। यह एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। यहाँ रेलवे एवं अन्य परिवहन साधनों के संबंध में तकनीकी एवं प्रबंधकीय ज्ञान एवं कौशल की शिक्षा प्रदान की जाती है। अंत्योदय ट्रेन की चर्चा करें तो आधुनिक सुविधाओं के साथ पूरी तरह से अनारक्षित लंबी दूरी की ट्रेन की शुरुआत 4 मार्च 2017 से एर्नाकुलम कोच्चि केरल से हावड़ा पश्चिम बंगाल के बीच हुई। वर्तमान में देश में 13 अंत्योदय एक्सप्रेस चल रही हैं। ग्लास टॉप विस्टाडोम कोचों को पर्यटक सर्किल में शुरू किया गया है। विस्टाडोम कोच पारदर्शी छतों वाले कोच हैं। इनसे यात्री अपने कोच से ही बाहर के मनमोहक दृश्यों का आनंद ले सकेंगे। देश में सभी स्टेशनों पर 100% LED लाइटिंग लगाई जा रही है। प्रोजेक्ट स्वर्ण ने राजधानी शताब्दी रेलगाड़ियों को अपग्रेड करना शुरू किया। प्रोजेक्ट उत्कृष्ट ने मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को अपग्रेड करना शुरू किया। इसके बाद में आगे बात करें यात्रा अनुभव को बेहतर करने के लिए मुंबई उपनगरी खंड में वातानुकूलित EMU रेलगाड़ी का परिचालन शुरू हुआ। भारत का सबसे लंबा एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल बोगीबील पुल असम में राष्ट्र को समर्पित हुआ। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। वह इसकी लंबाई है वो 4.94 किलोमीटर है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 दिसंबर 2018 को किया गया। यह ब्रिज असम के धेमाजी व डिब्रूगढ़ जिले के बीच बनाया गया है। यह 2002 में बनाना प्रारंभ हुआ था। यह भूपेन हजारिका सेतु, दिबांग नदी सेतु, महात्मा गांधी सेतु के बाद चौथा या फोरवां या चारवां सबसे बड़ा पुल है।
परंतु शेष तीनों पुल सड़क मार्ग पर हैं। इसके बाद में आगे चर्चा करें रामायण एक्सप्रेस IRCTC की। यह विशेष पर्यटन ट्रेन भगवान राम से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ती है। इसके बाद में है भूपेन हजारिका धोला सदिया पुल। तो यह पुल आसाम एवं अरुणाचल प्रदेश को सड़क मार्ग से जोड़ने हेतु लोहित नदी पर बनाया गया है, जिसका उद्घाटन 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। यह बीम ब्रिज 9.15 किलोमीटर लंबा है, जिसमें कुल 183 SPAN हैं तथा सबसे लंबा SPAN 50 मीटर का है। यह वर्तमान में भारत का सबसे लंबा पुल है। इससे लंबा पुल बिहार में कच्ची दरगाह है विदुपुर ब्रिज है, जो पूरा हो जाने पर 9.76 किलोमीटर लंबा होगा। यह सड़क यातायात मुहैया कराएगा। बोध सर्किट ट्रेन IRCTC की विश्व स्तरीय सुविधाओं से परिपूर्ण विशेष रेलगाड़ी जो बोधगया, सारनाथ व बुद्ध के जीवन और उपदेशों से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ती है। उधमपुर से कटरा के बीच नई रेल लाइन, तो कटरा से जुड़ती 25 किलोमीटर रेल लाइन जो माता वैष्णो देवी दर्शनार्थियों की को सुविधा प्रदान कर रही है। नांगल तलवाड़ा रेल लाइन, तो जिला ऊना हिमाचल प्रदेश में माता चिंतपूर्णी तीर्थ तक सीधे पहुंचने के लिए अंदौरा दौलतपुर चौक सेक्शन पर नांगल तलवाड़ा रेल लाइन को यात्रियों की सुविधाओं के लिए आरंभ किया गया। तो मित्रों, ये हमारी आज की क्लास, छोटी सी क्लास, और भारतीय रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आज की जो क्लास है वो आपको लगी कैसी? अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक करें और शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें, सभी मित्रों को जोड़ें। सभी एग्ज़ामों की दृष्टि से हमने पूरा प्रयास किया है कि महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको प्रदान की जाएँ, और लगातार हम प्रदान कर रहे हैं। आप सब हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, इसके लिए आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप सब हमारे साथ ये प्रेम, ये आपका जो अनमोल साथ है, वो हमेशा बनाए रखेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय माँ सरस्वती। हमेशा याद रखें, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। निश्चित रूप से आपको जीवन में माँ सरस्वती सफल बनाएंगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम फिर से आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, और आप सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट की तरफ से। जय हिंद, जय माँ सरस्वती। बहुत बहुत धन्यवाद।